सो द नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज योर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक बैलेंस ठीक है जिसको आप एच एल बी वैल्यू भी बोल देते हो एच एल बी स्केल भी बोल देते हो सफेक्टेंट्स हमारे पास बहुत तरह के हैं आइनिक है नॉन आयनिक है आइनिक में फर्दर केटायनिक है देन यू हैव एन आइनिक सफेक्टेंट अब कौन से सफेक्टेंट को यूज करना है फॉर अ पर्टिकुलर प्रिपरेशन वो हम कैसे डिसाइड करते हैं अगर हिट एंड ट्रायल से डिसाइड करना है हर सफेक्टेंट को उठा के प्रिपरेशन में डाल के देखना है कि दैट प्रिपरेशन इज गेटिंग स्टेबलाइज और नॉट वो बहुत कम्बल uh, एफर्ट uh, हो जाएगी एंड सेकेंडली उसमें कॉस्ट आपकी बहुत लग जाएगी आपके इन्ग्रेडियंट्स बहुत वेस्ट हो जाते हैं टू सॉल्व दैट इश्यू ताकि आप इजीली अपना सफेक्टेंट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सको आउट ऑफ दैट पूल जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से सफेक्टेंट ऑफ इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट करना है उसके लिए एक आर्बिट्रेरी स्केल बनाई गई एंड इट वॉज गिवन बाय ग्रिफिन साइंटिस्ट का नेम है ग्रिफिन उसने एक आर्बिट्रेरी स्केल दी जहाँ पे उसने सारे सफेक्टेंट्स को अरेंज कर दिया डिपेंडिंग अपॉन क्या उसने प्रिंसिपल रखा क्या बेसिस रखी हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक बैलेंस क्या है उस अफेक्टेंट का कितने ग्रुप्स हैं कितनी उन ग्रुप्स की कंट्रीब्यूशन है जो हाइड्रोफिलिक कंट्रीब्यूशन uh, शो कर रहे हैं कितने ग्रुप्स हैं क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है जो लिपोफिलिसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका क्या बैलेंस है दैट बैलेंस इज गिवन इन द स्केल एक स्केल बना दी उन्होंने और उस स्केल पे सारे सफेक्टेंट्स को फिट कर दिया अब जितनी इसमें आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी जितनी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी उतनी हाइड्रोफोबिल्लिक आपके सफेक्टेंट्स होंगे हायर द एच एल बी वैल्यू उतने हाइड्रोफिलिक उतने वाटर लविंग अफेक्टेंस आपके होंगे अगर उस सफेक्टेंट को ऑयल इन वाटर सिस्टम में आप डालोगे दे विल पार्टीशन मोर टूवर्ड्स योर वाटर फेस जितनी वैल्यू कम होंगी उतने आपके हाइड्रोफोबिक अफेक्टेंस होंगे ऑयल लविंग अफेक्टेंट होंगे वाई सिलेक्शन ऑफ सफेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल ऑफ योर इमल्शन आपके पास एक ऑयल इन इमल्शन है एक आपकी वॉटर इन ऑयल इमल्शन है आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑयल इन वॉटर क्या होता है एंड वॉटर इन ऑयल क्या होता है द फेज जो हम इनिशियली लिखते हैं वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होती है मतलब उसके ग्लोब्यूल्स होते हैं एंड द फेज जो पीछे लिखी होती है वो बिगर फेज होती है है हाँ ना अब इन इन ऑयल वाटर इमाल में ऑयल आपका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है एंड वाटर इज योर बिगर फेस तो अगर इस फॉर्मुलेशन को अगर इस सिस्टम को स्टेबलाइज करना है थ्रू आउट योर ऑयल ड्रॉपलेट आपकी हर ऑयल ड्रॉपलेट मस्ट बी यू नो कोटेड विथ सम्रॉपलेट्स को ज्वाइन करने में ज्वाइन करने को प्रिवेंट करता है हाँ अगर दो ड्रॉपलेट्स ऑयल की नहीं कंबाइन करेंगी तो आपकी जो इमल्शन है वो स्टेबलाइज रहेगी। जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर जाएंगी आपका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वाटर फेस अलग इजिली हो जाएगी इन द सेकेंड सिस्टम यू वांट कि आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जो कम अमाउंट uh, में प्रेजेंट है इन योर ऑयल वो पूरी तरह से कोटेड हो आपकी किसी सब्सटेंस से जो वाटर ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करने को प्रिवेंट करती हूँ ठीक है बच्चे सो so, इन दोनों सिस्टम्स में यू कैन नॉट यूज़ ओनली वंस और अ सेम सफेक्टेड इन बोथ द सिस्टम्स आपको डिपेंडिंग अपॉन कौन सी फेज कम है आपको अपना सफेक्टन सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी इमल्शन जो है वो स्टेबलाइज रहे योर योर सफेक्टेड इज मोर और ऑयल सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल डिपेंडिंग अपॉन आप क्या उससे एप्लीकेशन चाहते हो ठीक है ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी आपको इमल्शन की So, uh, we have one scale, higher the value of HLB, more hydrophilic your uh, surfactant is, lesser the value of your HLB, more, uh, you know, uh, oil soluble your surfactant is. So, next is how you estimate the HLB of your surfactant. How you estimate surfactant ki HLB? So, we have different different methods. The first method is, आपके हर ग्रुप में हर सेफेक्टेंट का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है उसके हर ग्रुप को एक नंबर असाइन किया गया है, ठीक है आप एचएल कैसे कैलकुलेट करोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला एच एलबी इज इक्वल टू समेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस समेशन ऑफ दिस इज द साइन ऑफ समेशन लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस सेवन ये आपका फॉर्मूला है फॉर मेथड वन इसमें इफ आई टेक वन एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एसएलएस एसएलएस के एग्जांपल लेते हैं इफ आई राइट द फॉर्मूला ऑफ एसएलएस इट इज़ सी एच थ्री सी एच टू इलेवन बार आपका सी एच टू रिपीट हो रहा है देन एट द हाइड्रो फिलिक एंड यू हैव एसओ फोर नेगेटिव एंड दिस हेयर वी हैव थ्री डिफरेंट ग्रुप्स इन दिस फॉर्मूला वन इज दिस ग्रुप दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप सो द ग्रुप नंबर फॉर एसओ फोर नेगेटिव सोडियम आइन इज थर्टी एट पॉइंट सेवन

थर्टी एट पॉइंट सेवन ठीक है सिंगल है इसीलिए हमने टोटल समेशन जो उसका ग्रुप नंबर है वो लिख लिया माइनस हमने किस में से माइनस करना है नाउ वी हैव लिपोफिलिक ग्रुप नंबर लिपोफिलिक ग्रुप नंबर पॉइंट फोर सेवन इसका है पॉइंट फोर सेवन इसका है बट हाउ मेनी टाइम्स पॉइंट फोर सेवन इज गेटिंग रिपीटेड पॉइंट फोर सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व टाइम्स 11 for this, 1 for CH3, plus you will write down 7 over here. So, whatever HLP you get, you are getting nearly 40 HLP. So, in this way, you can calculate the HLP of your surfactant. This is your first method. Going to the next method, second method, use hota hai biche, uh, primarily for the surfactants will, which contain polyoxyethylene chain. उन सफेक्ट में जिनमें पॉलिऑक्स इथलिन होती हैं वहाँ पे यूज होता है आपका दिस सेकेंड मेथड विच स्टेट्स दैट एच एल बी इज इक्वल टू ई प्लस पी डिवाइडेड बाय फाइव वेयर ई इज योर परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथलीन ऑक्साइड चेन परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथलीन ऑक्साइड चेन पी इज योर परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ग्रुप ठीक है बच्चे जैसे आपके ग्लिसरोल हो सकते हैं सॉबिटोल हो सकते हैं यू विल डिवाइडेड विथ फाइव सो थर्ड मेथड इज इट इज यूज टू कैल्कुलेट द एच एल बी फॉर द सफेक्टेंस विच कंटेन एस्टर ग्रुप जिनमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनमें हम ये कैलकुलेट करते हैं इसमें एग्जाम्पल्स आ जाती हैं बच्चे आपकी स्पैन की जो स्पैन होते हैं उनकी आप एच एल बी करते हो यूजिंग दिस मेथड सो हेयर योर एच एल बी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस एस अपॉन ए वेयर एस इज योर स्पोनिफिकेशन नंबर दिस इज योर स्पोनिफिकेशन नंबर एंड योर ए एस योर एसे प्रैक्टिकली बच्चे क्या होता है हम एक सफेक्टिव यूज नहीं करते एक फॉर्मुलेशन में we, we use blend of हम एक से ज्यादा सफेक्टिव यूज करते हैं ठीक है जब हम ब्लैंड ऑफ सफेक्टिव यूज कर रहे हैं अब ओवरऑल उस फॉर्मुलेशन में जो आपका सफेक्टिव ब्लेंड है उसकी एक क्रिटिकल एच एल बी होगी ठीक है इंडिविजुअली आपके सफेक्टेंट की एच एल बी आपको नोन है इफ यू नो कितनी कंसेंट्रेशन में आप उसको एड कर रहे हो यू कैन कैलकुलेट दैट क्रिटिकल एच एल बी ठीक है यूजिंग अ फॉर्मूला योर आर एच एल ऑफ योर मिक्सचर इफ यू आर यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ टू सफेक्टेन्स सफेक्टेंट ए एंड सफेक्टेड बी तो एच एल बी आपके मिक्सचर की क्या होगी कितने पार्ट्स हैं आपके कंपोनेंट ए के उसकी क्या फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड बाय एच एल बी ऑफ ए प्लस वन माइनस पार्ट ऑफ कंपोनेंट ए ठीक है दैट विल बी योर कंपोनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय एचएल ऑफ योर कंपोनेंट बी ठीक है एफ कितनी फ्रैक्शन है आपकी एक सफेक्टेंट की वन माइनस एफ एज द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ योर सफेक्टेंट बी नेक्स्ट आ जाती है बच्चे डीमेरिट्स ऑफ एच एल बी सिस्टम एच एल बी एक आर्बिट्रेरी स्केल है सफेक्टेंस uh, को सेलेक्ट करना सिंप्लीफाई कर दिया उस स्केल ने है ना उस स्केल में हमारा सफेक्टेंट कहाँ लाई करता है उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस सफेक्टेंट के बारे में डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन सेलेक्ट अ सफेक्टिन बट देयर आर फ्यू डीमेरिट्स ऑफ एच एल बी सिस्टम जहाँ पे लैकिंग है हमारा एच एल बी सिस्टम फर्स्ट डी इज वी आर गेटिंग वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट सफेक्टेड की नेचर है ना वो हाइड्रोफिलिक है कि वो हाइड्रोफोबिक है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है बट वी आर नॉट गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कंसनट्रेशन ऑफ सफेक्टेड और हमें पता है सफेक्टेड ने कैसे एक्ट करना है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन किस कॉन्सन्ट्रेशन में वो प्रेजेंट है जस्ट अगेन मेमोराइज़ दैट एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल रिसोर्सिनोल हमारा सफेक्टेड लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट था वो हमारी ड्रग को पार्टीशन करने में हेल्प कर रहा था जैसे वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज उस ड्रग को पार्टीशन करने के लिए फेवरेबल थी बट स्टिल एज दैट सफेक्टेड इज मेकिंग लॉर्ड्स ऑफ माइसेल्स वो बल्क में जा रहा है माइसिल्स बना रहा है दैट सफेक्टेंट हैज लॉस्ट इट्स एप्लीकेशन उसकी एप्लीकेशन लूज हो गई है ठीक है सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सफेक्टेंट की पता होनी चाहिए नेचर के साथ दैट इज कंसेंट्रेशन जिसके बारे में हमें एच एल बी स्केल से कुछ पता नहीं चलता द सेकेंड डिमेरिट इज हम सफेक्टेंट uh, की सोलबिलिटी को बेसिकली बता रहे हैं ऑन एच एल बी स्केल है हाँ ना हमारा सफेक्टेड वाटर सोलबल है कि ऑयल सोलबल है बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द सोलबिलिटी फैक्टर ऑफ आर सफेक्टेड और हमें पता है सोलुबिलिटी बहुत अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है सिर्फ सोल्यूट की नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती सोलबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट आल्सो जिसके बारे में हमारे एच सिस्टम ने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया हुआ इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो टेम्परेचर के फैक्टर को हमने एच स्केल में कहीं लिस्ट नहीं किया थर्ड हमारा कोई एडेड एडिटिव uh, है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस वो हमने बिल्कुल कंसिडर नहीं की इस एच स्केल में ठीक है सो द सेकेंड मेजर डीमेरिट ओवर हियर इज वी आर नॉट कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द सोलबिलिटी ऑफ अर सफ एक्टेंट जिसको हम बेसिकली एच एल बी स्केल पर प्लॉट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है टेम्परेचर क्या है या प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ सम एडिटिव इन टू ठीक है तो दीज आर द टू मेजर डीमेरिट्स ऑफ आर एच एल बी सिस्टम